मेरे बग्गू, मेरे बग्गू, तू कितना काला है और मैं कितनी गोरी हूँ। मेरे बग्गू, मेरे बग्गू, मैं तेरी चुम्मा लेती हूँ। मेरे ले, मेरे ले, मेरे ले, मेरी चुम्मा नहीं लेगा, मेरी चुम्मा नहीं लेगा, मेरी चुम्मा नहीं लेगा, मेरी चुम्मा नहीं लेगा तुझे। तू शैतान है, तू मूर्ख है, तू जानवर है, तू शैतान है, तू शैतान है। हे भगवान, ये काम वाली भाई कैसी कैसी हरकतें करने लग रही है। मैं इसे काम से भी नहीं निकाल सकती, क्योंकि ना कोई नई काम वाली मेरे घर पे आती है और ना ही मुझे मिलती है। बड़ी मुश्किल से तो एक ही है जो मुझे मिली है। अब क्या करूं, जैसी भी है इसे सहन तो करना पड़ेगा। मैं तुझे मार डालूंगी। बारबी बहन, तुम ये क्या कर रही हो इसके साथ? अरे बारबी, तुम उस बेचारे को इतनी तेज क्यों डांट रही हो? उसमें थोड़ी ना जान है। मैं इसे डांट रही थी, मैं डांट रही रही थी, मैं तो इससे प्यार कर रही थी। क्या मैं डांट रही थी, मैं तो इससे प्यार कर रही थी। अरे अरे बारबी बहन, आप रोइए मत, मत रोइए। आप तो उसको नहीं, मैं तो नहीं बोला कि मैं डांट रही थी, मैं तो जा रही हूँ इस घर को छोड़कर। नहीं बारबी बहन, आप तो उसे प्यार कर रही थी, आप कहीं मत जाइए काम छोड़कर। ठीक है, नहीं नहीं जाऊंगी काम छोड़कर, तो मैं करूँ इससे प्यार। मैं तुझे गा जाऊंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। लगता है आज तो ये पागल हो गई। यार आप क्यों हंस रही है तू? अरे मैंने पहली बार सुना कि औरतों के लिए गुंडे गुंडी पैदा होते हैं। ला ये गुंडे मुझे दो। नहीं नहीं, अब तुम इससे हाथ नहीं लगाओगी। मुझे गुंडे दे दी। ये सब छोड़ो, तुमने मेरे लिए खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं बैठो, मैं खुद बनाकर खा लूंगी। ठीक है, बहुत थक गई हूँ, अब तो मैं आराम कर लेती हूँ। अरे जब तुम आराम करोगी तो घर के काम कौन करेगा? अरे तुम करो, मैं तो थक गई हूँ। Yeah. Oh, no. अरे मैम साहब, तुम्हारा फोन दे दो मुझे, मैं बोर हो रही हूँ।
सोते सोते लाओ धूम मचाऊंगी। बस बहुत हुआ तुम्हारा, बहुत कर लिया मैंने तुम्हें सर। निकलो अभी के अभी मेरे घर से, जब घर के सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं फिर मैंने तुमको क्यों लगाया है। चलो ऑटो में भी अपने खो मेरे घर से। अरे तुम कौन हो मुझे निकालने वाली, मैं खुद जाती हूँ अपने घर। मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही, मैं खुद अपनी मर्जी से जा रही हूँ। हाँ तो जाना, तुझे रोका किसने, निकल अभी के अभी। मुझे तो नहीं लगता ये काम वाली भाई फिर से लौट कर आई है और काम करने ही आई है। ये ना जरूर कोई ना कोई मकसद से आई होगी, मुझे तो इस पर शक हो रहा है। एक काम करती हूँ, मैं ना जाकर देखती हूँ ये किस मकसद से आई है। ये क्या समझ रही है, मैं इसके घर काम करूंगी? काम करे मेरी जूती, मैं तो ना करूं मेरे कोमल कोमल हाथों से काम। अरे ये क्या समझ रही है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मैंने ना सारा पैसे ढूंढूंगी कहाँ पर है और मुझे मिलेंगे ना तुरंत लेकर भाग जाऊंगी, फिर ये बोलेगी मेरे पैसे कहाँ गए। अरे मैम साहब का बटुआ ढूंढ लेती हूँ मैं पर्स, उसमें ना सारे पैसे डाले होंगे, उसमें मैम साहब के कहाँ पर है, मैम साहब का पर्स कहाँ पर है, कहाँ पर है, मैम साहब का पर्स मिल जाए फिर मजा आ जाएगा, मुझे लेकर भाग जाऊंगी। क्या समझती है मैं कुछ कर नहीं सकती, इसका पर्स ढूंढूंगी पहला नंबर में। अरे यहाँ भी नहीं मिल रहा, अरे यहाँ भी नहीं मिल रहा, अरे इसके
से भी नहीं है। चलो मैं और जगह ढूंढती हूँ। अरे इसके भी नीचे नहीं है, इसके भी नीचे नहीं है। इसके भी नीचे, इसके भी नीचे नहीं है। अरे इसके नीचे भी नहीं है, इसके नीचे भी नहीं है। और अरे ओह माय गॉड, इसमें कितने सारे पैसे हैं मैम साहब के पर्स में, और इनका मैं फोन भी चुरा लेती हूँ और मैं यहाँ से 9, 2, 11 हो लेती हूँ। अच्छा तो अब ये मैम साहब मेरे घर में घुस के मेरी पैसे और फोन चोरी कर रही है। आने दो इसे बाहर, फिर बताती हूँ। चलो मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ। और मैं फोन को ना यहाँ छुपा देती हूँ ताकि मैम साहब को दिखे ना। तो मैं चलती हूँ यहाँ से, हो जाती हूँ 9, 2, 11। मैम साहब को क्या है ना, मेरा पेट बहुत जोर से दुख रहा है और मेरे को दस्त भी लग गया है, इसलिए मैं जल्दी घर जा रही हूँ। अच्छा तो मैं भी तो देखूं तेरा पेट कैसे खराब हो रहा है। चला मोबाइल निकाल जल्दी से मेरा। बुक क्या है मैम? कुछ नहीं।